कब्रिस्तान के बाहर से लगातार वीरेश बने हुए हैं हमारे साथ। वीरेश, क्योंकि भीड़ तो काफी दिखाई दे रही है, लेकिन अपडेट ये भी है कि परिवार के लोग शामिल होंगे, इलाके के लोग शामिल होंगे जो कब्रिस्तान के अंदर तक जाएंगे। आपके पास क्या इनपुट है, किस तरीके का अपडेट है इस वक्त, क्या कोई खास व्यक्ति भी वहां पर पहुंच सकता है? देखिए, जो दो महत्वपूर्ण लोग पहुंचे हैं, एक जो मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के सांसद हुआ करते थे, वो भी माफिया उनका खौफ था, उनके बेटे ओसामा पहुंचे, और अंबिका चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी कुछ देर पहले मुख्तार के घर जाते हुए दिखे, और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता भी आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लखनऊ से भी आए हैं, मोहम्मद अयाज हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, ये लखनऊ में अक्सर दिख जाते हैं, दिव्यांग हैं, और किस तरीके से ये चल कर आए होंगे और इनसे बात कर लेते हैं, तो ये जाहिर करता है कि मुख्तार अंसारी से की मैयत में शामिल होने, जो मैं कह रहा था कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अंदर जाने की इजाजत मिलेगी, मिट्टी डालने की इजाजत इन्हें मिलेगी, क्योंकि परमिशन नहीं है बाहरी लोगों को। अब मोहम्मद अयाज से ही बात कर लेते हैं, आप ऐसी स्थिति में दिव्यांग हैं और आप लखनऊ से आए? जी हाँ, मैं लखनऊ से आया हूँ। आज मुख्तार अंसारी जी के निधन हो गया है, और मैं कल 10 बजे देखा तो उसी के बाद जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद मैं बस पे से आ गया हूँ। और बात रही है तो ये यहाँ के गरीबों के मसीहा थे और दुश्मनों के काल थे ये। अब आज इस आज के दिन पे आज हम बात है, दुश्मनों के काल थे और गरीबों के मसीहा थे, एक माफिया थे, एक पक्ष है मसीहा का, तो ये देख लीजिए, ये एक बार अपने कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो पुलिस है अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बार बार अनाउंसमेंट कर रही है, और भीड़ लगातार ये जो कालीबाग का कब्रिस्तान है उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। बहुत अंबिका चौधरी से है मैं बात करता हूँ, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाज अंबिका चौधरी, और आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? जी, मैं यहाँ आने के, मैं तो यहाँ के लोगों की तकलीफ में, उत्सव में बहुत बार शामिल रहा हूँ लंबे अरसे तक, मगर आज की जो स्थिति है वो आज भिन्न स्थिति, रुक जाइए भाई, बताइए, वो भिन्न है। जिस तरीके से घरों में रुदन है, जिस तरीके का मातम है, जिस तरीके से चेहरों पर मायूसी है, आंखों में आंसू है, ये बयान करने की स्थिति नहीं। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन तमाम लोगों के घर का कोई, उनका किसी का बच्चे का पिता, किसी का भाई, किसी का कोई, ये लोग आज माफिया, एक माफिया और एक मसीहा, दो छवि है मुख्तार की। देखिए, ये जिसको समीक्षा करनी हो वो जो नाम देना चाहे वो मुख्तार अंसारी को दे ले, लेकिन आज लाखों लोगों की आंखों के आंसू और उनके चेहरे की मायूसी बयान करती है कि मुख्तार अंसारी उनके लिए क्या थे। पूरे कई राज्यों से लोग आ रहे हैं, ये क्या साबित है? आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी को आप सुन रहे थे। ABP News आपको रखे आगे।